Hello students, how are you? पिछली क्लास में हमने फेले महमूज के बारे में पढ़ाया था और हम लोगों ने उसमें सीखा था कि फेले महमूज क्या है, अलफेलुल महमूज या वर्ब विद हमज़ा, जिसको हम कहते हैं वर्ब विद हमज़ा, वो फेल जिसके अंदर हमज़ा आती है, हमज़ा शुरू में हो, हमज़ा बीच में हो या हमज़ा आखिर में हो, है ना। अगर हमज़ा शुरू में आ जाए तो उस फेल को हम महमूज़ुल फ़ा कहते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखा था उसे हम महमूज़ुल फ़ा कहते हैं, जैसे अखज़ा और अकला, है ना। इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज हैं, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमज़ा बीच में हो, वसत फेल के अंदर हो, मिडिल ऑफ दी वर्ब हो, तो हम उसे महमूज़ुल ऐन कहते हैं। आप जानते हैं ना कि फा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा किसे कहा जाता है? जैसे फ़ाला है, फा ऐन लाम, तो फा जो है ये जो शुरू में लेटर है इसको हम कहते हैं फा कलमा, और जो बीच में मिडिल में जो लेटर है ऐन, इसे हम कहते हैं ऐन कलमा, और जो आखिर में लाम है इसे हम कहते हैं लाम कलमा। तो फा की जगह पे जो हमज़ा आए उसको हम कहते हैं महमूज़ुल फ़ा, और ऐन की जगह पे जो हमज़ा आए उसे हम कहते हैं महमूज़ुल ऐन, और लाम की जगह पे जो हमज़ा आए उसे हम कहते हैं महमूज़ुल लाम। फॉर एग्ज़ाम्पल अखज़ा, अखज़ा में क्या है, हमज़ा जो है बिल्कुल शुरू में है, यानी बिल्कुल फा कलमा की जगह पे है। अकला, अमीना, अनेसा, ये सारे जो अल्फाज हैं इसमें हमज़ा कहाँ पे है, फा कलमा की जगह पे है, इसलिए हम इसे कहते हैं महमूज़ुल फ़ा। अब आप देखें रआ, रआ लफ्ज़ जो है जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वर्ब है और इसके बीच में आ रहा है हमज़ा, तो इस हमज़े को हम कहते हैं, इस हमज़े की वजह से इस वर्ब को, इस फ़ेल को क्या कहते हैं, महमूज़ुल ऐन, क्योंकि ये मिडिल में है, मिडिल ऑफ द वर्ब है, ऐन कलमा की जगह पे है, इस वजह से हम इसे महमूज़ुल ऐन कहते हैं, है ना। तो इस तरह की जो आपके पास मिसालें आएंगी, अभी चार पाँच छः मिसालें दे करके उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने, जैसे रआ है, तो और भी आप सआला लफ्ज़ आपने पढ़ा है, सआला के माना होता है टू क्वेश्चन, सवाल करना, टू क्वेश्चन सवाल करना। अब अगर हम इससे जुमला बनाएं, मिसाल के तौर पे सआला अल उस्ताज़ु तालिबन, सआला अल उस्ताज़ु तालिबन, सआला तिफ्लु वालिदहु, तो इसमें क्या है कि बीच में मिडिल में आ रहा है सआला या सालूत, हम इसको कहते हैं महमूज़ुल ऐन। इसी तरह से जो लाम कलमा की जगह पे अगर फा आ जाए एंड में, है ना, एट द एंड ऑफ द वर्ब, अखीर में कोई हमज़ा आए लाम कलमा की जगह पे, तो हम उसे क्या कहते हैं, महमूज़ुल लाम, क्योंकि जो हमज़ा है वो किसकी जगह पे है, लाम की जगह पे, तो हम इसे क्या कहते हैं, महमूज़ुल लाम। जैसे इसकी मिसालें बहुत सारी हम रोज़ाना अपने जुमलों में पढ़ते हैं, क़रआ है मिसाल के तौर पे, क़रआ का बहुत इस्तेमाल होता है, इसमें हमज़ा कहाँ पे है, लास्ट में वर्ब के, और ये लाम कलमा की जगह पे है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, महमूज़ुल लाम कहते हैं। अब इस तरह की और सारी मिसालें आप देखेंगे, मिसाल के तौर पे क़रआ है, बदआ है, नशा है, तो ये बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे बदआ है ना, बदआ के माने क्या माना होता है, बदआ यबदउ बिदायतन, टू स्टार्ट, शुरू करना, है ना। अब इसमें से हम जो है मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि बदआ अत्तालिबु अल-क़िरा'अता, बदआ अत्तालिबु अल-क़िरा'अ, या बदआ अत्तालिबु क़िरा'अत दर्स, है ना, लड़के ने किताब पढ़नी शुरू की, लड़के ने सबक पढ़नी शुरू की, तो इस तरह से बदआ है, नशा है, हदा है, तो कई सारे अल्फाज हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के इस लेसन के अंदर। तो आप समझ गए अच्छी तरह से कि जो हमज़ा शुरू कलिमा में आए, शुरू फेल के अंदर आए,
उससे हम महमूज़ुल फ़ा कहते हैं, क्योंकि वो हमज़ा फ़ा कलमा की जगह पे है। जो हमज़ा बीच में आए, मिडिल में आए, उसे हम महमूज़ुल ऐन कहते हैं, क्योंकि वो ऐन कलमा की जगह पे है, वसत में है, मिडिल ऑफ दी वर्ब है। और जो हमज़ा लास्ट में आए, है ना, एंड ऑफ दी वर्ब में आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, महमूज़ुल लाम। जी, अब आएँ थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने शुरू में एक वर्ड बताया था आपको, अखज़ा या अखज़ू अखज़न, इसके माने क्या होते हैं, टू टेक। मसलन अखज़ा हामिदुन किताबन बिल्लुगा अल अरबिया, अखज़ा हामिदुन किताबन बिल्लुगा अल अरबिया, क्या माना होता है, हामिद ने अरबी ज़ुबान की एक किताब ली, हामिद टुक अ बुक इन अरबिक लैंग्वेज। इसी तरह से दूसरा वर्ड है जिसे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, कसीरुल इस्तेमाल है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है, अकला या अकुलु अकलन, है ना। अब इसे आप फ़ेल माजी में इस्तेमाल करें तो क्या होगा, अकला, आप पूरी कंजुगेशन आप कर सकते हैं, अकला अकला अकलु अकलत, जैसे जैसे सेगा होगा, मोड ऑफ द वर्ड होगा, और जैसा भी पर्सन होगा, जैसे थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी शक्ल अलग होती है, अकला अकला अकलू, थर्ड पर्सन फैमिली में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अकलत अकलता अकलना, और इसी तरह सेकंड पर्सन में जब हम ले जाएंगे तो क्या होगा, अकलता अकलतुमा अकलतुम, और मैस्कुलिन में हो गए, फैमिली में क्या हो जाएगा, अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना, और फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, अकलतु अकलना। तो इस पैटर्न के जितने भी वर्ब आएंगे उनको अगर पास्ट में कंजुगेट करेंगे फेल माजी में तो उसी पैटर्न पे आएंगे, है ना। अब मिसाल के तौर पे अकला है, इसका फेल मजारे क्या होगा, या कुलू, और इसे अगर फेमिनिन हम बनाएंगे थर्ड पर्सन के लिए तो क्या होगा, या कुलू से क्या हो जाएगा, ताकुलू। मिसाल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ताकुलुल बिन्तु फाकेहतन, क्या बना मिसाल में, ताकुलुल बिन्तु फाकेहतन, क्या माना होगा कि लड़की ने एक लड़की एक सेब खाती है ना, ताकुलुल बिन्तु फाकेहतन, द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल, द गर्ल ईट्स एन एप्पल, तो लड़की सेब खाती है या सेब खा रही है, उसको कहने के लिए क्या कहेंगे हम, ताकुलुल बिन्तु फाकेहतन। अगर मैं कहूँ कि मैं सेब खाता हूँ तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन में ले जाएंगे इसको, और कहेंगे याकुलु की जगह पे ताकुलु की जगह पे क्या हो जाएगा, अकुलु अकुलु फाकेहतन, आई ईट एन एप्पल, या आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो इस तरह से मोड ऑफ द वर्ब सेगे जो होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, याकुलु सित ताकुलु और फिर अकुलु। इसे अगर आप इम्परेटिव में ले जाएंगे इसी वर्ब को, है ना, तो उसका पैटर्न और चेंज हो जाएगा, क्योंकि इम्परेटिव का पैटर्न आप जानते हैं अलग होता है। तो अकला या अकुलु से इम्परेटिव अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल खाओ, जैसे अखज़ या खुज़ का इम्परेटिव क्या होता है, खुज, अकला या अकुलु क्या होगा, कुल कुला, है ना, कुलु कुली कुला और कुलना। तो ये इसके माने क्या होते हैं, खाओ, अगर इम्परेटिव में किसी को ऑर्डर दें, किसी से रिक्वेस्ट करें खाओ तो क्या होगा, कुल, है ना। अब इसे बनाने का जो कायदा है वो आप अगली क्लास में पढ़ लेंगे। अब दूसरा वर्ड है जो इसी पैटर्न का है, जैसे अमरा लफ्ज़ है, अमरा क्या है, ये महमूज़ुल फ़ा है ना। क्यों महमूज़ुल फ़ा है, क्योंकि अमरा में जो फर्स्ट लेटर आ रहा है हमज़ा, वो किस जगह पर है, फ़ा कलमा की जगह पे है, इसे हम क्या कहेंगे, महमूज़ुल फ़ा। इसकी मिसाल क्या है, मसलन अमरल वालिदु वलदहु लिस्सलाती, है ना, हदीस में भी आया हुआ है कि मुरु औलादकुम लिस्सलाती, के अपने बच्चों को नमाज के लिए नमाज का हुक्म दो। अब इसमें हमने पढ़ा अमरल वालिदु वलदहु लिस्सलाती, द फादर ordered his son to offer prayers, तो इसमें अमरा का इस्तेमाल हुआ है, जो क्या है, महमूज़ुल फ़ा है,
इसी तरह से अमर को और भी जुमले बना सकते हैं, जैसे अमरत अल उम्मू बिंतहा लितबख अताम, अमरत अल उम्मू बिंतहा लितबख अताम, है ना। क्या माना होगा कि माँ ने अपनी बेटी से बेटी को खाना पकाने का हुक्म दिया। द मदर ऑर्डर्ड हर डॉटर टू कुक टू प्रिपेयर फूड, है ना। और भी इस तरह के अल्फाज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अज़ना एक वर्ड है, अज़ना या अज़नू इज़नन, इसके माना होता है टू गिव परमिशन। फॉर एग्जाम्पल अज़नल मुदर्रिसु लिलखुरूज मिनल फसल, द टीचर गेव परमिशन टू गो आउट ऑफ द क्लास रूम, है ना। ये सारी मिसालें किसकी आई है ना, महमूज़ुल फ़ा की थी। अब कुछ मिसालें हम पढ़ लेते हैं महमूज़ुल ऐन की। महमूज़ुल ऐन का मतलब क्या होता है, वो वर्ब जिसके ऐन कलमा की जगह पे मिडिल ऑफ द वर्ब में हमजा आए तो उसे हम क्या कहते हैं, महमूज़ुल ऐन। मिसाल के तौर पे आपने रा पढ़ा, जिसको हम अक्सर मिसालों में पढ़ते हैं, रा यरा रुयतन, इसके माने क्या होते हैं, टू सी टू लुक, है ना, देखो, है ना, देखा देखना। जैसे रा राशिदुन उस्फूरन अला शजरतिन, है ना, हम इस्तेमाल करते हैं रा राशिदुन उस्फूरन अला शजरतिन, क्या माना होगा कि राशिद ने पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को देखा। राशिद सा आ स्पैरो ऑन अ ट्री, हमने रा फ़ेल माजी की जगह इस्तेमाल किया, अब इसको हम फ़ेल मुजारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यरा अगर इसी मिसाल को अगर सेम ले लें तो रा की जगह चेंज कर दीजिए, यरा राशिदुन उस्फूरन अला शजरतिन, है ना। अब वो क्या होता है, सीज राशिद सीज लुक एट्स स्पैरो ऑन द ट्री, तो इसमें यरा की जगह पे, और फिर इम्परेटिव में भी ले जा सकते हैं, और इसी से निगेटिव भी बना सकते हैं, प्रोहिबिटिव भी बना सकते हैं, फिल नहीं जिसको कहते हैं, ला तरा, है ना, ला तरा इलल खारिज। मिसलन अगर उस्ताद कहे शागिर्द को स्टूडेंट को कि हामिद बाहर ना देखो, तो कैसे कहेगा, ला तरा ओ हामिद इलल खारिजी, तो उसमें हम प्रोहिबिटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ हमने आपको कहा था सआला, सआला यस अलू सवालन, इसके माने क्या आते हैं, टू आस्क टू क्वेश्चन, है ना, पूछना सवाल करना। मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हुआ सअलल मरीज़ु अत्तबीबा, द पेशेंट आस्क द डॉक्टर, है ना, मरीज़ ने डॉक्टर से सवाल किया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सआला को मरीज़ के साथ इस्तेमाल करें, हम अपने जुमलों में अलग अलग जुमले बना लें। मिसाल के तौर पर सआलत तिफ्लु उम्माहू, सआलत तिफ्लु उम्माहू, है ना, कि बच्चे ने अपनी माँ से सवाल किया। सआलतिल बिन्तु उम्माहा, है ना, लड़की ने अपनी माँ से सवाल किया। हमें इस्तेमाल क्या करना है, सआला वर्ब को जो कि महमूज़ुल ऐन है, ऐन कलमा की जगह पे हमजा है, इसलिए हम इसको महमूज़ुल ऐन कहते हैं, इसे हम अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तीसरा वर्ड जो हम इसी पैटर्न का है वो क्या है, सईमा, जैसे रा है सआला है, उसी तरह एक तीसरा वर्ड जो है ये क्या है, सईमा, सईमा यस आमू, है ना, और सआमतन, इसके माने क्या होता है, टू गेट बोर्ड टू बी टायर्ड, थक जाना परेशान हो जाना, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हम इस्तेमाल करें सईमतु तकालीफ़ल हयाती, सईमतु तकालीफ़ल हयाती, मैं ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों से थक गया परेशान हो गया, है ना। अब सईमा को अगर फेमिनिन में थर्ड पर्सन में इस्तेमाल करना हो तो आप क्या करेंगे, सईमा से क्या हो जाएगा, सईमत। फॉर एग्ज़ाम्पल सईमत फ़ातिमतु मिन तकालीफ़िल हयाती, फातिमा गॉट टायर्ड ऑफ ट्रबल्स इन दी लाइफ, तो सईमा
को हमने थर्ड पर्सन फेमिनिन में यूज किया तो सईमा से क्या हो गया, सईमत, सईमत फातिमतु मिन तकालीफिल हयाती। इसमें सईमा जो है कहाँ पे आया हुआ है हमजा, इसमें ऐन कलमा की जगह पे आया हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, महमूजुल ऐन होगा। अब एक और मिसाल ले लेते हैं, दूसरी मिसाल है इसी पैटर्न की, रआसा यरआसु, ये तो बहुत इस्तेमाल में आता है, आप जानते हैं रईसुल क़िस्म किससे बना हुआ है, इसी रआसा यरआसु से। इसके माने क्या होता है, टू हेड, टू लीड, रआसा यरआसु है ना, रियासतन इसके माने होता है टू लीड है ना। अब मिसाल के तौर पे आपको कहना है ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वर्ब में कहना है ना, तो हम क्या कहेंगे, हुआ यरआसु क़िस्म लुगा अल अरबिया है ना, हुआ यरआसु क़िस्म लुगा अल अरबिया, ही लीड्स द अरबिक डिपार्टमेंट यानी ही इज़ द हेड ऑफ द अरबिक डिपार्टमेंट। मिसाल के तौर पर आपको कहना है डॉक्टर सलीम इज़ द हेड ऑफ अरबिक डिपार्टमेंट, तो आप क्या कहेंगे, अद्दुक्तूर सलीम, अद्दुक्तूर मोहम्मद सलीम यरआसु क़िस्म लुगा अल अरबिया है ना, यानी डॉक्टर मोहम्मद सलीम हेड्स द अरबिक डिपार्टमेंट या इज़ द हेड ऑफ द अरबिक डिपार्टमेंट। अगर इसी को अगर हम दूसरा जुमला बनाएं तो आपने कहा रअसा रईसुल वज़राई अल वफ्तल हिंदी इलल विलायतिल मुत्तहिदा, ये जुमला बड़ा हो गया लेकिन हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अरबी में क्या कहते हैं, रईसुल वज़रा, और वफ्त का माने क्या होता है, डेलीगेशन के, अल वफ्त अल हिंदी का माने क्या हुआ, इंडियन डेलीगेशन। तो अब पूरे जुमला का माना क्या होगा, रअसा रईसुल वज़राई अल वफ्द अल हिंदी या के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडियन डेलीगेशन था, इंडियन वफ्द था, उसकी उसको हेड, उसके हेड थे, उसको लीड किया कहाँ पे, इलल विलायतिल मुत्तहिदा अमरीका जाते वक्त है ना, यानी अमरीका जाने वाले डेलीगेशन का जो हेड थे वो कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आपने देखा रअसा जो है फ़िल माज़ी का इस्तेमाल हुआ है, अब उसको आप जैसे चाहे कंजुगेट कर लीजिए, पर्सन टू पर्सन उसका सेगा मोड ऑफ दी वर्ड चेंज होता जाएगा। अब लास्ट में हम आते हैं, लास्ट में कुछ मिसालें हम जैसे आप पढ़ चुके पहले कि महमूज़ुल लाम, महमूज़ुल लाम किसे किया कहा जाता है, यस हामिद हाँ, तो महमूज़ुल लाम इसे कहा जाता है जो हमज़ा एंड ऑफ द वर्ब में आए, वर्ब के लास्ट में आए, उसे हम कहते हैं महमूज़ुल लाम। लाम कलमा की जगह पे अगर हमज़ा आए तो उसे हम क्या कहते हैं, महमूज़ुल लाम है ना। जैसे क़रा बहुत ही कसीरुल इस्तेमाल है, बहुत इस्तेमाल होता है, हम उसी से शुरुआत करते हैं, और किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, अगर पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क़रा यक़रा क़िराअतन का इस्तेमाल करेंगे, और इससे आप फ़िल माज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िल मुज़ारे में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िल अम्र में, फ़िल नहीं में है ना, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हामिद रोज़ाना अरबिक न्यूज़पेपर पढ़ता है, हामिद रोज़ाना अरबिक न्यूज़पेपर पढ़ता है, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे हामिदुन यक़रा सहीफ़तन अरबियतन कुल यौमिन है ना। आप जानते हैं डेली को क्या कहा जाता है, कुल्ला यौमिन, या उसको दूसरे तरह से यौमियन भी कह देते हैं हम। तो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ, करा का फ़ेल मुज़ारे क्या इस्तेमाल हो गया, यक़रा। आप देखते हैं कि यक़रा में हमज़ा कहाँ पे है, लास्ट में है, और लास्ट में होने की वजह से, लाम कलमा की जगह पे होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, महमूज़ुल लाम है ना। आप कोई और मिसाल दीजिए जिसमें कि करा का इस्तेमाल हो है ना, तो पास में अगर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, करातिल बिंतू किताबन है ना अरबियन, करातिल बिंतू किताबन अरबियन, द गर्ल रेड एन अरबिक बुक है ना,
हैं, लड़की ने अरबी में अरबी की एक किताब पढ़ी, अरबी किताब पढ़ी, अरबी है ना, द गर्ल रेड एन अरबिक बुक। अब मिसाल के तौर पे बदअ लफ्ज़ है, बहुत ही सिंपल है और हम इसको अक्सर जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बदअ यब्दउ बिदायतन के माने क्या होते हैं, टू स्टार्ट, शुरू करना, है ना, किसी चीज़ को, किसी भी काम को शुरू करने के लिए हम बदअ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे यब्दउ हामिदुन अय्यामहु, है ना, सबाहन, या यब्दउ अर्रजुलु आमालहु अल्यौमिया सबाहन। डेली रूटीन वर्क को क्या कहते हैं हम, वर्क को कहते हैं आमालुन, उसकी जमा है आमाल, और डेली को क्या कहेंगे, अल्यौमिया, रूटीन वर्क, डेली का जो काम है, अल आमाल अल्यौमिया। तो यब्दउ अर्रजुलु आमालहु अल्यौमिया सबाहन, क्या माना होगा कि आदमी शुरू करता है, बदा यब्दउ का माना शुरू करता है, आदमी शुरू करता है अपने रूटीन वर्क को, अपने रोजाना के काम को कब शुरू करता है, सबाहन, सुबह के वक्त, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, द मैन स्टार्ट्स हिज रूटीन वर्क्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमने इस्तेमाल किया बदा यब्दउ बिदायतन को, फेल मुजारे में इस्तेमाल किया तो क्या हो गया, यब्दउ, इसमें भी हमजा कहाँ पे है, लास्ट में है, लाम कलमा की जगह पे है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, महमूजुल लाम। इसी पैटर्न का एक नया दूसरा वर्ड है नशा, ने जैसे आपने पढ़ा करा, जैसे आपने पढ़ा बदा, उसी पैटर्न का एक लफ्ज़ है नशा, नशा यंशा के माना होता है टू ग्रो अप, है ना, बढ़ना, है ना, बढ़ना। जैसे हम इसको मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, नशा महमूदुन फी मदीना, फी मदीनत दिल्ली अल कदीमा। आप जानते हैं ओल्ड दिल्ली को क्या कहा जाएगा, दिल्ली अल कदीमा, मदीना तो दिल्ली अल कदीमा, नशा महमूदुन फी मदीनत दिल्ली अल कदीमा, कि महमूद पला बढ़ा कहाँ पे, ओल्ड दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, महमूद पुरानी दिल्ली में पला बढ़ा, इसको हमें अरबी में कहना है। तो हम कैसे कहेंगे, नशा महमूदुन फी मदीनत दिल्ली अल कदीमा, महमूद ग्रेव अप इन ओल्ड दिल्ली। अब नशा वर्ड को देखिए, नशा जो वर्ब है ना, इसमें हमजा कहाँ पे आ रहा है, एंड में है, लास्ट ऑफ द वर्ड है ना, लास्ट ऑफ द वर्ब है, इस वर्ब के एंड में आ रहा है, और किस जगह पे आ रहा है, लाम कलिमा की जगह पे आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, महमूजुल लाम। ठीक है, अब इसी पैटर्न का एक लास्ट वर्ड हम ले लेते हैं, है ना, और वो क्या है ना, बरिया यब्रो, किस बाब से होगा, समिया से होगा, है ना। अब बरिया यब्रो के बना होता है कि शफा याब हो जाना, है ना, शिफा पाना बीमारी से, हैं, इसी तरीके से अगर किसी के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, किसी के ऊपर तोहमत लगी हुई है, उससे बरी हो जाना, दोनों माने में इस्तेमाल होता है, तो हम दोनों माने के लिए इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बर अल मरीदू के माना क्या हो जाएगा, ए शुफिया मिन मरज ही, है ना, मरीज़ अपनी बीमारी से शिफा पा लिया, मरीज ने अपनी बीमारी से शिफा हासिल कर ली, तो उसे हम क्या कहेंगे, बर अल मरीदू, है ना, द पेशेंट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। अगर इसी लफ्ज़ को जो दूसरा माना हमने बताया कि जो एलिगेशंस हैं उससे बरी होना, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बरिया अल्मुत्तहमु मिन कुल्लि तुहम, बरिया अल्मुत्तहम, मुत्तहम किसे कहते हैं, जिसमें तुहमत लगी हो, है ना, हम उर्दू में भी मुत्तहम कहते हैं और अरबी में भी मुत्तहम लफ्ज़ जो है, तो बरअल मुत्तहम वो पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन हैं, जिसके ऊपर तोहमत लगी हुई है, जिसके ऊपर कुछ बुरी चीज़ों का उसके ऊपर तोहमत लगी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बरअल मुत्तहमु मिन कुल्लि तुहम, कुल मने ऑल, तुहम मने तमाम एलिगेशन से
वो बड़ी हो गया, तमाम चार्जेस जो लगी होती हैं, चार्जेस जो किसी पर्सन के अगेंस्ट में चार्ज लगाते हैं ना, चोरी का, रेप का, इसका उसका, बुराई का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, जो चार्जेस लगते हैं हम उसको तोहमत कहते हैं। तो उसकी जमा आती है तो हम, बरयल मुत्तहमु मिन कुल्ली तोहम, है ना, जो मुत्तहम था वो तमाम चार्जेस से, तमाम उससे बरी हो गया, यानी द एक्यूज्ड पर्सन एग्जेम्प्टेड ऑफ ऑल चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा इन दो लेसन्स में, जो हमने एक पिछले सबक में पढ़ा था और आज, के महमूज़ुल अल्फ़ेलुल महमूज़ क्या होता है, वो फेल जिसके अंदर हमज़ा इस्तेमाल हो, है ना, किसी भी जगह पे हो, है ना। आपने देखा बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आई, बहुत सारे जुमलों में हमने उसको इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया, फेल माजी के अंदर, फेल मुजारे के अंदर, फेल आमर के अंदर, फेल नहीं के अंदर। तो जो फेल, जिस फेल के अंदर भी हमज़ा आए, है ना, फेल सुलासी में ख़ास तौर से, रुबाई वगैरह की मिसालें मुश्किल होती हैं, है ना, चार लफ्जी वाले से उसको हमने छोड़ दिया है, सुलासी, है ना, सुलासी मुजर्रद, जो तीन हर्फी अफ़ाल होते हैं जिसमें सिर्फ तीन लेटर्स होते हैं, और वो किस पैटर्न पे आता है, फ़ाला, फ़ा कलमा, फ़ाला में फ़ा कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा है। इन तीन फ़ाला के पैटर्न पे जो भी वर्ड आए और उसमें हमज़ा हो, उसको हम कहते हैं महमूज़, उसको हम कहते हैं अल्फ़ेलुल महमूज़, वो वर्ब जिसमें हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है, द वर्ब विद हमज़ा, है ना। हमने जैसे मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा अखज़ा, अकला, है कि नहीं, अनेसा, है, उसके बाद जो है और बहुत सारे अल्फाज पढ़े हमने, वो सब क्या है, फ़ा कलमा की जगह पे हमज़ा है, महमूज़ुल फ़ा है, अगर बीच में मिडिल में हमज़ा है उसे हम क्या कहते हैं, महमूज़ुल ऐन कहते हैं। उसकी मिसालें भी आपने देखी, रआ लफ्ज़ है, सआला लफ्ज़ है ना। और जो लाम कलमा की जगह पे एंड में जो हमज़ा है उसको हमने कहा महमूज़ुल लाम, और उसकी मिसालें बहुत सारी पढ़ी, है ना, जैसे करआ, बदआ, हदआ, नशआ, खतआ, ये बहुत सारी इस पैटर्न के मिसाल हैं। तो इन सारे मिसाल को देख करके और इन जुमलों को समझने के बाद हमने अच्छी तरह समझ लिया कि फेले महमूज़ किसे कहा जाता है, और मा हुआ अल्फ़ेलुल महमूज़, यानी वो वर्ब जो हमज़े के साथ इस्तेमाल हुआ है, द वर्ब विद हमज़ा क्या है, किस तरह से उसके इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह से उसके जुमले बनाए जाएंगे, और कहाँ कहाँ हम उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी के साथ आज का लेसन ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। मा सलामा इलल्लिका, हैव अ नाइस डे।